अभी भी इनकाउंटर चल रहा है। सुंजवा का एरिया है, वहाँ का इलाका है जो जलालाबाद। आज सुबह जो इनकाउंटर शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से दो दिन पहले ये बड़ा इनकाउंटर इसको समझा जा रहा है। आपको बता दूं, इससे पहले भी इसी इलाके में फरवरी 2018 को एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद 24 तारीख को, दो दिन के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और उससे पहले ये इनकाउंटर जो है सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। एक स्पेशल इनपुट्स पर ये चीज़ों को, ये इनपुट्स मिले, उसके बाद इसको कुछ दो से तीन टेररिस्ट बताए जा रहे हैं जिनको एक जगह पर एक सर्कल में उनको कॉर्डन कर दिया गया है, उनको ट्रैप्ड कर दिया गया है। और अभी तक की जो खबर है इसमें से एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की खबर है और तीन से चार जो हैं वो बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है इलाज के लिए। लेकिन अभी की जो तस्वीरें यहाँ पे हैं, जो बदला है सुबह से अभी तक, वो ये बदला है कि ये पुलिस का नाका जो है यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आगे था, इसको पीछे लाया गया है। अब ये बिल्कुल हम नरवाल मोड़, जो बठिंडी को रास्ता जाता है, उस लोकेशन पे हैं। यहाँ से आगे जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। और अभी तक का जो अपडेट है, जो बताया जा रहा है कि दो से तीन टेररिस्ट हो सकते हैं, ये किस जमात से हैं ये अभी कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता। लेकिन पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने सुबह जब हमसे बात की, उन्होंने कहा कि एक पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गया है और दो से तीन इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जख्मी की तादाद अब 4 से 5 बताई जा रही है, उनको अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। और ये बड़ा अटैक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली दो दिन के बाद है और पुलिस की बात की जाए, सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए, उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि इन्होंने इनको ट्रेस कर लिया है। अब ये बताया जा रहा है कि जलालाबाद एरिया है, सुंजवा के एरिया में जलालाबाद एक इलाका है, वहाँ शायद एक घर में इनको ट्रैप किया गया है। वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ से आगे एक्सेस नहीं है ना मीडिया को ना आम कर्मी को। लेकिन ये ज़रूर है कि एक स्पेशल इनपुट्स के तहत, एक स्पेसिफिक इनपुट्स के तहत इनको ट्रैप कर लिया गया है। ये नंबर कितना बड़ा है और कितने ग्रुप हैं, ये क्या रहेगा, ये अभी इनिशियल स्टेज है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। सुरक्षा एजेंसियों की पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। उसी के तहत, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि लगातार जो सुरक्षा एजेंसी की गाड़ी है उनकी मूवमेंट है, और यहाँ से आगे, इस पॉइंट से आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है इसको, सुरक्षा एजेंसियों के लिए और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, कि दो दिन पहले उनको जिस तरह से इनपुट्स मिले और एक महदूद घेरे में एक जगह उनको ट्रैप कर दिया गया है। दो से तीन का ये टेररिस्ट का नंबर हो सकता है और ये इनकाउंटर अभी चल रहा है। और इसमें जो अभी ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, तीन से चार का जो नंबर है वो क्रिटिकल इंजर्ड है, उनको अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए, लेकिन इनकाउंटर अभी भी चल रहा है।